वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे फ्राइड राइस, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिया है 2 कप बॉयल्ड राइस, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है, और इसमें मैंने 1 टीस्पून विनेगर भी डाला था ताकि जो राइस है वो चिपके नहीं। साथ ही मैंने लिया है हाफ कप मैंने चिकन ली है, जो कि थोड़ी सी कुकड है, और उसको मैंने हल्की सी मतलब बॉयल्ड है, और आप इसको श्रेड भी कर सकते हैं और क्यूब्स में भी रख सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है 1 बोल मैंने लिया है फ्रोज़न वेजिटेबल, जिसको मैंने थॉ कर लिया है। 5 to 6 ग्रीन चिलीज मैंने लिए हैं, जिसको मैं काटूंगी नहीं क्योंकि बहुत स्पाइसी हो जाएगा। उसके साथ ही मैंने 2 बीटन एग्स लिए हैं, और मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, ये ऑप्शनल है, और 1 टेबलस्पून चिकन क्यूब, ये चिकन पाउडर आप ले सकते हैं। सोया सॉस ली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून विनेगर, और गार्लिक क्लोव्स लिए हैं मैंने 2, जिसको चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, और हसबे जायका नमक लिया है। तो चलिए अब हम फ्राइड राइस को रेडी करते हैं। तो हम एक पैन लेंगे, फ्राइंग पैन, जिसको हम हीट अप करेंगे, और 2 टेबलस्पून हम उसमें ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने गार्लिक के क्लोव्स लिए थे, और उसको हम लोग सॉटे करेंगे या स्टिर फ्राई करेंगे अंटिल वो गोल्डनिश नहीं हो जाते जब तक। अब गोल्डनिश होने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने चिकन ली थी, और उसको अच्छे तरीके से हम कुक कर लेंगे। आप चिकन को श्रेड भी कर सकते हैं, यानी उसका रेशा भी कर सकते हैं, और आप ऐसे भी डाल सकते हैं क्यूब्स की फॉर्म में, या फिर आप फ्राइंग पैन में भी इसको थोड़ा सा छोटे पीसेस में कर सकते हैं जब ये कुक हो जाएगी। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और कुक कर लेंगे, और कुक होने के बाद आप देख सकते हैं चिकन कुछ इस तरीके की दिखेगी, और हम इसमें जो है 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। जैसे कि हमने 1 टीस्पून सॉल्ट अगर लिया था, तो हम उसमें से आधा सॉल्ट इसमें डाल देंगे, और सॉल्ट के साथ हम अपनी चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से इसको कुक कर लेंगे हम। और जब ये कुक हो जाएगी तो हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो चिकन जो है हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो हमने लिए थे, और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने स्पाइसेस लिए थे, 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून हम विनेगर डालेंगे, और इसके साथ ही और हम डालेंगे 1 टेबलस्पून, अगर आपने चिकन पाउडर लिया तो वो डालेंगे, और या फिर चिकन क्यूब, और जिंजर पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और इसको वेजिटेबल्स को हम लोग अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके कुक कर लेंगे। लो हीट पे हम इसे कवर करके कुक करेंगे, और साथ ही हम इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल देंगे, इनको भी मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही। और अब हम इन्हें कवर करके कुक करेंगे। तो जो हमारा वेजिटेबल्स भी हैं वो भी कुक हो चुके हैं अच्छी तरीके से। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे इसी पैन में, और इसी पैन में जो हमने अंडे फेंटे थे उसको ऐड करके इसी पैन के अंदर हम लोग कुक कर लेंगे। तो जो 2 मैंने अंडे फेंटे थे, यानी कि जो बीटन एग्स जो हमने 2 लिए थे, उसको इसी साइड पर डालेंगे, और उसको हम हाई फ्लेम करके इसको जल्दी से कुक कर लेंगे। हमें स्टर करते रहना है। तो एग्स जो है हमारे कुक हो चुके हैं अच्छी तरीके से। अब हम सारी वेजिटेबल्स के साथ अपने एग्स को भी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और एक अच्छा सा हम लोग बैटर रेडी कर लेंगे। अब हम जो है वो सॉल्ट भी डाल देंगे, ताकि जो अंडे हैं उसमें भी सॉल्ट आ जाए थोड़ा, इस वजह से हमने थोड़ा सॉल्ट बचा के रखा था। अब हम अच्छे तरीके से जो है इसको कुक कर लेंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
तो वेजिटेबल की जो लेयर है वो रेडी हो गई है। अब जो हमारे बॉयल्ड राइस थे उसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बॉयल्ड राइस लेंगे, हाफ द बॉयल्ड राइस हम निकाल लेंगे और उसके ऊपर हम अपनी वेजिटेबल की लेयर डालेंगे जो हमने बैटर रेडी करा था अपना, और उसी के साथ अब हम इसके ऊपर फिर से राइस डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से इवनली मिक्स हो जाए सारा। तो अब हम इसके ऊपर राइस डालेंगे सारे जो बचे हुए थे, और रिमेनिंग जो बैटर है वो इसके ऊपर डाल देंगे, और हम अपने इन राइस को दम देंगे, दम पे रखेंगे 5 से 10 मिनट तक। आप इसको लो फ्लेम पर दम दे दें और उसके बाद आप इसे निकाल लें। तो इसको या तो आप मिक्स करके भी दम दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे तरीके से पहले थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और फिर इसे दम पे रख दूँगी और फिर मैं इसे निकाल लूँगी। तो दम देने के बाद हमारे राइस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। तो डिश आउट करने के बाद हमारे राइस कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।